सो हेलो गाइस, दिस इज संजीत एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो दोस्तों, क्या आपकी भी विंडोज 10 या आपका लैपटॉप फ्रीज हो रहा है? मतलब आप गेम खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, रैंडमली फ्रीज हो रहा है, या कोई भी मूवी देख रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं तब भी फ्रीज हो रहा है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वो फ्रीज हो जा रहा है। फ्रीज होने का मतलब हैंग हो जा रहा है, रुक जा रहा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं एंड कुछ टाइम बाद वो सही से चलने लगता है। तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको 8 स्टेप बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, वो सारे आपको फॉलो करने हैं, ठीक है? और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, अगर बीच में ही छोड़ के भाग जाओगे तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। और बहुत से लोग मैंने देखा है वीडियो बना बना के डाल रहे हैं बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें करना क्या क्या है। फर्स्ट जो है वो आपको अपना ग्राफिक्स का ड्राइवर अपडेट करना है। तो शायद आपका ग्राफिक्स का प्रॉब्लम हो और उस ड्राइवर को आपको अपडेट कर लेना है। तो ग्राफिक्स ड्राइवर अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर विंडोज पर राइट क्लिक करना है और जाना है आपको डिवाइस मैनेजर में, एंड डिवाइस मैनेजर में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डिस्प्ले अडाप्टर्स को ओपन करना है। और यहाँ पर आपका जो भी प्रोसेसर होगा AMD और इंटेल जो भी है वो आपको राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर कर लेना है। तो मेरा ऑलरेडी अपडेटेड है क्योंकि मेरा वर्किंग है, मेरा कोई सिस्टम फ्रीज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर 8 स्टेप जो मैं बताऊंगा उन सारे स्टेप में किसी ना किसी से आपका वो जरूर प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप था आपको ये अपना ड्राइवर अपडेट कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे में इनबिल्ट इंटेल ग्राफिक्स ड्राइवर है तो इसलिए मेरा ये सिंपल दिखा रहा है। अगर आपका NVIDIA ऐड होगा तो NVIDIA पर भी राइट क्लिक करके अपडेट कर लेना है। तो भाई जो दूसरा स्टेप है वो है WinSocket कैटलॉग को रीसेट करना है। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको CMD पर एक सिंपल कमांड डालनी होती है, वो क्या होता है आपका रीसेट कर देता है। अब भाई मैं रीसेट क्यों करूँ, बहुत से लोग होते हैं डर जाते हैं कि भाई ये क्या करवा रहा है, ये कमांड कैसे डालनी है, ठीक है? तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर ये सॉकेट होता है, इसकी ये कमांड होती है जो कि सॉकेट एरर जो होती है उसकी वजह से आपका सिस्टम फ्रीज होने के चांसेस हैं, तो उसको रीसेट कर देगा और ये सिंपल स्मूथली आपका वो चलने लगा। तो WinSocket क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम है जो कि आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और वो क्या करता है, तो जितनी भी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट होती हैं फॉर द इंटरनेट एप्लीकेशंस वो हैंडल करता है, राइट? तो उसको आपको रीसेट कर लेना है, ये एक फैक्टर हो सकता है आपके विंडोज को फ्रीज करने में। तो यहाँ पर आपको ओपन करना है CMD, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से आपको ओपन कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पर एक आपको कमांड टाइप करनी है, netsh winsock एंड रीसेट। तो एंटर करने के बाद आपको दिख जाएगा सक्सेसफुली रीसेट द WinSocket कैटलॉग एंड यू नीड टू रीस्टार्ट योर सिस्टम। तो ठीक है, यहाँ पर आपको सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना हर एक स्टेप के बाद, और उसके बाद ही क्या होता है चेंजेस अपने अप्लाई हो जाते हैं। जो तीसरा स्टेप है वो है इंक्रीज वर्चुअल मेमोरी। तो यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी इंक्रीज करने से क्या होगा, तो यहाँ पर आप कई सारी एप्लीकेशंस यूज करते रहते हैं और यहाँ पर टास्क मैनेजर में आपको दिखता है कि आपकी 100% रैम मेमोरी यूज हो रही है। तो यहाँ पर जब 100% हो जाती है तो वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, आपके रैम से कंबाइंड हो जाती है और वो एक टेम्परेरी रैम की तरह यूज होने लगती है और यहाँ पर वो थोड़ा सा आपको सिस्टम को रिलैक्स करती है। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा है अगर आपका सिस्टम फ्रीज नहीं भी हो रहा है। तो यहाँ पर आपको दिस PC पे राइट क्लिक करना है और जाना प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर जाना है सेटिंग्स में एंड जाना है एडवांस में। यहाँ पर देख सकते हैं वर्चुअल मेमोरी राइट चेंज करना है और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी सेट भी कर रखा। तो यहाँ पर आपको ये 8 GB तक सेट करना है। 8 GB ये कैसे मैंने निकाला, यहाँ पर आपको कैलकुलेटर ओपन करना है और इसको 8 GB रैम को 1024 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर 8192 निकल के आ जाता है, वो आपको मैक्सिमम रखना है, ठीक है? और मिनिमम रखना है 1000 और सेट कर देना है। यहाँ पर विंडोज की सी ड्राइव के आगे आपको ये दिख जाएगा ऐसे कि हाँ ये सेट हो चुका है और ओके कर लेना है। उसके बाद रीस्टार्ट करना है, आपको यहाँ पर भी रीस्टार्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है? ओके। तो नेक्स्ट स्टेप जो है टर्न ऑफ लिंक स्टेट पावर मैनेजमेंट, तो ये पावर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इसको टर्न ऑफ करना है, तो इसके लिए आपको प्रेस करना है Windows+R। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है powercfg.cpl और ये आपकी पावर सेटिंग को ओपन कर देगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, क्लिक करना है चेंज प्लान सेटिंग्स पे और यहाँ पर आपको करना है चेंज एडवांस पावर सेटिंग और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे PCI और एक्सप्रेस पे क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लिंक स्टेट पावर मैनेजमेंट, इसमें आपको कई ऑप्शन मिलते हैं। मेरा ऑलरेडी ऑफ है क्योंकि मेरा सिस्टम फ्रीज नहीं हो रहा है इसलिए मैंने ऑफ कर रखा है और आपको भी ऑफ कर लेना है। यहाँ पर आपके में मैक्सिमम या मॉडरेट पावर ऑप्शन सिलेक्टेड होगा, इसको करना है टर्न ऑफ और अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। तो जो अगला स्टेप है उसमें क्या करना है, आपको टर्न ऑफ फास्ट स्टार्टअप। तो यहाँ पर लोग सोचते हैं कि बहुत जल्दी स्टार्टअप हो जाएगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये क्या होता है आपके सिस्टम की ऐसी की तैसी कर देता है, इसमें आपको ये नहीं करना है, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से वही पावर ऑप्शंस पे आपको जाना है
यहाँ से भी आप जा सकते हैं राइट क्लिक करके पावर ऑप्शंस पे, और यहाँ पर आपको क्लिक करना है एडिशनल पावर सेटिंग्स। तो यहाँ पर क्लिक करना है आपको चूज व्हाट पावर बटन डज, एंड यहाँ पर आपको क्लिक करना है चेंज सेटिंग्स दैट आर करेंटली अनअवेलेबल। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा अनचेक्ड है, और आपका यहाँ पर अगर चेक्ड है तो आपको अनचेक कर लेना है, ठीक है, और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है डिसेबल अनवांटेड ऐप्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेजी से आपके बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं, तो उसको ऑफ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में प्राइवेसी में जाना है। प्राइवेसी में जाने के बाद आपको दिखेगा बैकग्राउंड ऐप्स, यहाँ पर बैकग्राउंड ऐप्स पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी सारे ऑफ कर रखे हैं, तो यहाँ पर आपके में अगर कोई ऑन हो तो उसको सिंपल ऑफ कर लेना है, ठीक है, सारे आपको ऑफ कर लेने हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ पर एक लोकेशन दिखेगी, क्योंकि आप यहाँ पर मैप ऐप तो अपने सिस्टम में चला नहीं रहे, जो आपको लोकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका अगर लोकेशन ऑन है तो सिंपल टर्न ऑफ कर लेना, क्योंकि बहुत से ऐप होते हैं वो लोकेशन चाहते हैं, बट अगर आप ऑफ कर देंगे तो वो आपकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाएंगे, तो और ये रिकमेंडेड भी नहीं आपको, तो अगर आप मैप ऐप यूज नहीं करते अपने सिस्टम में, तो सिंपल इसको ऑफ कर देना है। एंड लास्ट जो आठवां स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या, वो आपको वीकली करते रहना है, ठीक है, आपको टेम्परेरी फाइल्स को क्लियर करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है TEMP, और ये एक फोल्डर ओपन कर देगा, इसको कंट्रोल ऑल करना है और राइट क्लिक करके डिलीट कर देना है। अगेन आपको फिर से विंडोज़ प्लस आर प्रेस करना है और टाइप करना है %TEMP%, उसके बाद आपको कंट्रोल ऑल करके इसमें भी डिलीट कर देना। तो दोस्तों यही 8 स्टेप्स थे, अगर ये 8 स्टेप में से कोई भी स्टेप आपका वर्किंग हो तो भाई जरूर कमेंट करके जरूर बताना, इससे क्या होगा और लोगों को पता चलेगा हाँ भाई यहाँ पर ये प्रोसेस वर्क कर रहा है। तो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।